आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओ हर 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 महादेव। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्रहर बोल हर 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 महादेव। सोमवार का दिन है और शिव जी का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ। सुप्रभात 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 भोले बाबा जो नीलकंठ बैरागी हैं, जो महादेव हैं, जो अत्यंत ही भोले हैं, उनकी शरण में जाने से कई प्रकार के संकटों का नाश होता है, चाहे वो ऐहिक हो या भौतिक हो या दैहिक हो। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं कामिनी खन्ना आज आप सबको 22 अप्रैल 2024 की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आज चंद्रमा कन्या राशि में अहोरात्र नक्षत्र है, चंद्र का ही हस्ता, शाम 7:58 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र, दमनक चतुर्दशी है आज, श्री हनुमान जयंती उपवास, पूर्णिमा प्रारंभ उत्तर रात्रि 3:25 पर हो जाएगी और नृसिंह धुलोस्तव भी है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके कन्या राशि पर क्या असर हुआ। कन्या में चंद्रमा जो के अपने नक्षत्र में है, जबकि कन्या राशि का स्वामी बुध उनका अमित्र है। मेष राशि, आपके लिए आज के चंद्रमा दे सकते हैं आपको बेचैनी, और ये बेचैनी रहेगी माता पक्ष की तबीयत को लेकर या घर की व्यवस्था को लेकर या सुखों को लेकर। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप गणेश जी के मंदिर हो आइए, अगर नहीं जा सकते तो गणपति रमा के जाप कीजिए। वृषभ राशि, आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आज आप अपने बच्चों के साथ ना उलझे, मानसिक बेचैनी होती है या आपको यात्रा पर नहीं जाना है या कोई समस्या है अपने छोटे भाई बहन बच्चों को लेकर, उसको बड़े प्यार से प्रैक्टिकली सुलझाइए और कर सकते हैं गणेश पूजा। मिथुन राशि, आपके लिए आज तबीयत खराब ना हो इसका ध्यान रखना है, रेस्ट कीजिए, घर में रहिए, वाहन तेजी से ना चलाएं, अपने हेल्पर्स के साथ उलझे ना, आज उनसे असहयोग रहेगा आपको। कर्क राशि, आज के दिन यात्रा पर निकलेंगे तो आपको सावधानी तो बरतनी है, लेकिन आप ही का नक्षत्र है इसलिए आपको खास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इतना याद रखिए कि छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना और उत्साह उमंग में कमी लगे तो पानी ज़्यादा पिएं। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन परिवार जनों के साथ बेचैनी नहीं करने का दिन, बोल चाल की भाषा ठीक रखें, परिवार पे ही सही, खर्चे कम करें और साथ साथ में धन संचित ना निकालें। कन्या राशि, आपके लग्न में चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, आप बेचैन हैं पैसों को लेकर, केसेस विवाद प्रॉपर्टी के कई कामों को लेकर, तो आपको हिदायत है कि आज के दिन आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा आए। तुला राशि, आपके लिए आज का दिन खर्चों पर कंट्रोल करने का है, प्रेम संबंधों में उलझने का नहीं है, किसी प्रकार के कोई बड़े खर्चे से परेशान है या विदेश रिलेटेड कोई काम बिगड़ रहा है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि, आज के दिन कुछ केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है आपके होते होते काम थोड़ा सा किचकिच बनाए, लेकिन आपको फायदा तो अवश्य होगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपको पैसों से रिलेटेड बनाने हैं तो आज बना सकते हैं आप, लेकिन इन्वेस्ट ना करें। आज के दिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बड़ी समझदारी से कीजिए। मकर राशि, कुछ काम आपको बनाने थे
ऐसे जो विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर करना था और आपके कुछ यात्राओं में भी काम बनने थे, तो यात्रा में तबीयत को संभाले रखिए और अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। कुंभ राशि। आज के दिन हेल्थ बिगड़ती है अगर, और किसी भी तरीके से आपको लोन्स की चिंता है, कर्जों की चिंता है, लेना देना या रुक जाना, तो आप जो हैं आज शिव जी के महामृत्युंजय के जाप या आप शिव जी के पाठ कर सकते हैं, शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, आपकी समस्याएं खत्म होंगी, या आप हरे कृष्णा की एक माला भी कर सकते हैं। मीन राशि। आपको बेचैनी है कि आपके कुछ काम अटक रहे हैं, मानसिक रूप से जो करने थे और उसका कारण आपके विवाहित जीवन के साथ ही हैं, उनको भी बेचैनी है आपसे, तो आज आपको अपना स्वभाव बदल के प्रैक्टिकल रह के उनके साथ बना के अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड काम बनाने पड़ेंगे। हस्ता नक्षत्र कन्या राशि में आता है और कन्या राशि बुध की होती है, ऐसे में बुध जिनके लिए कारक होता है उनको ये नक्षत्र सुहाता नहीं और बहुत बेचैनी होती है, तबीयत खराब होती है, हेल्पर नहीं आते, घर में सुख सुविधा नहीं रहती, बहुत सारी समस्याएं आती। ऐसे में समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक तो स्लो डाउन करिए अपना काम जो भी कर रहे हैं, थोड़ा अपनी तबीयत पर, अपने प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल रहिए और साथ साथ आप शिव जी के जाप कर सकते हैं, गलत खान पान न करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।